मान्यवर, बाद में फाइनल सॉल्यूशन के बारे में टिप्पणियां की, मगर मैं मानता हूं, मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक सदस्य ने कहा था कि ये कश्मीर समस्या का फाइनल सॉल्यूशन है। मान्यवर, समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं, मान्यवर। और दूसरा, चिदंबरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया है चिदंबरम जी, 367 रेड विथ 371D है, आप एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी। मान्यवर, मैं आज इस भाषण के अंदर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बैंक के बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सब ने अपने अपने तरीके से मन से करा है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मन के बगैर किया आधा अधूरा करा है, सब ने मन से करा है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं ये जो दो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूँ, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा, मुझे विश्वास है। मान्यवर, तो मैं सभी को कहता हूँ कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करें, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करें और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। और ये सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफ़ी सारी पार्टियाँ, आमतौर पर हमारे साथ मान्यवर जो पार्टियां नहीं रहती हैं, ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन में भाषण करे, आप पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, YSRCP ने किया है, TDP ने किया है, बहुत सारे लोगों ने आज BJD ने किया है, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए और सब लोग मानते हैं, AIDMK ने भी किया, AIDMK ने भी किया। और मान्यवर, में जो नया जोड़ा उनका नाम ले रहे हैं भाई, अब पुराना है। मान्यवर, और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूँ, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता का इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है तो आज जनता का विश्वास देखकर मान्यवर मेरा भी विश्वास बहुत बड़ा है। मैं तो पहले से मानता हूं कि 370 कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। और मुझे ये भी मालूम है अगर वोट बैंक की राजनीति करना कुछ पार्टियों ने चालू करा तो इसको चैलेंज कर और उसके रास्ते में हर्डल भी खड़े किए जाएंगे। सारे हर्डल को पार करते हुए मान्यवर ये दो संकल्प और एक जो बिल है वो तीनों, और चौथा रिजर्वेशन का बिल, ये तीनों बिल मान्यवर कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके गोलियां बंदूकें और आतंकवाद जो वहाँ दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा, ऐसे कश्मीर की हम रचना करेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस दोनों संकल्पों का और बिल का दोनों आप समर्थन करिए और एक अच्छा मैसेज कश्मीर के अंदर हम डालिए। इतनी करबद्ध विनंती कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ।